वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज बाय ए.आर. विलियम्स। ये चैप्टर एक ऐसे किंग के बारे में है जो बहुत ही अर्ली एज में, टीनेज में ही किंग बन चुके थे एंड इनकी जो डेथ है वो भी बहुत अर्ली हो चुकी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंग टूट के बारे में कि काफ़ी टाइम बाद जब उनकी मम्मी को डिस्कवर किया गया, उनके टॉम्ब को डिस्कवर किया गया और उसके बारे में रिसर्च करी गई तो क्या क्या चीज़ें सामने आई। तो जो किंग टूट थे वो लास्ट एयर थे इजिप्ट की एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के, जिन्होंने बहुत टाइम तक इजिप्ट और उसके एम्पायर को रूल किया। तो पहले तो हम जान लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स किंग टूट के बारे में, फिर उनकी डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्री थी उसके बारे में आगे और स्टडी करते हैं। तो किंग टूट के बारे में अगर हम कुछ बेसिक डिटेल्स जाने तो वो ये कि उनको और भी नाम से बुलाया जाता था, जैसे कि टूटनखामुन, टूट जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंड टूटनखातेन, ये उनके और नाम थे। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1341 BC, यानी 1341 BC में वो पैदा हुए थे एंड ही डाइड इन 1321 BC। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी जो डेथ है बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी, वैसे ही ये जो किंग थे वो भी काफ़ी अर्ली एज में बने थे। ही बिकेम किंग इन द एज ऑफ 11। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि आमुन और अटेन। अब आप देख सकते हैं किंग टूट के नाम के आगे आमुन और अटेन ये दोनों वर्ड्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इन दो गॉड्स की वर्शिप करते थे। अब जैसे डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स होते हैं, वैसे ही इजिप्शियन कल्चर में भी जो सन एंड एयर के गॉड हैं उन्हें कहा जाता है आमुन, और जो डिस्क ऑफ सन है या जो सन है उसको कहा जाता है अटेन। अब क्योंकि किंग टूट इन दोनों को वर्शिप करते थे इसीलिए ये जो दो वर्ड्स हैं आमुन और अटेन ये इनके नेम के आगे हैं। ठीक है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, फेरो। फेरो का मतलब क्या होता है, ये एक इजिप्शियन वर्ड है फॉर किंग्स। तो ये तो थी इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अब हम देख लेते हैं कि इनकी डेथ से रिलेटेड मिस्ट्री क्या है, यानी बहुत टाइम बाद जब इनके टूम को डिस्कवर किया गया, इनकी मम्मी को निकाला गया, उस पर रिसर्च करी गई तो क्या क्या वहाँ से जो रेवल्यूशंस थी, क्या क्या वहाँ से जो कंक्लूजन्स थे वो आए, वो हम समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो अगर हम इजिप्शियंस की बात करें, इजिप्शियंस बिलीव करते थे इन आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ यानी उन्हें ऐसा लगता था कि इवन आफ्टर डेथ देयर इज अ लाइफ। इसीलिए जब भी कोई बड़े किंग को वो बरी करते थे तो उनके साथ साथ ढेर सारी रिचेस, जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स हो गए, जूल्स हो गए, गोल्ड हो गए, इन सब चीज़ों के साथ उन्हें बरी किया जाता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि डेथ के बाद जो लाइफ है उसमें उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नॉट जस्ट दैट, उनकी बॉडी को भी वो प्रोटेक्ट करते थे। कैसे? ममीफाई करते थे। तो आपने देखा होगा द मम्मी मूवी में किस तरीके से वाइट कलर की बैंडेजेस से कवर करते थे पूरी बॉडी को, उसी तरीके से जो किंग्स होते थे, फेरोज होते थे, उनकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था फॉर द आफ्टर लाइफ। एंड जो किंग टूट थे उनकी बॉडी को भी इसी तरीके से ममीफाई किया गया था। अब January 5, 2005 को क्या हुआ, जब उनकी मम्मी को उनकी रेस्टिंग प्लेस यानी इजिप्शियन सिमेट्री, जिसे कहा जाता है वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किंग्स जो है वो बरेड थे। जब उनको वहाँ से ले जाया जा रहा था फॉर CT स्कैन, तो वहाँ पे जाके क्या पता चला या वहाँ पे जाके क्या हुआ, तो जो इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के जो सेक्रेटरी जनरल थे जिनका नाम था ज़ाही हवास, उनका कहना ये था कि किंग टूट की जो मम्मी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है ड्यू टू व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। अब कार्टर कौन थे? हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने ही 1922 में किंग टूट के टूम्ब को डिस्कवर किया था, उनकी मम्मी को डिस्कवर किया था। एंड जो ज़ाही हवास थे उनका मानना ये था कि किंग टूट की मम्मी की जो कंडीशन है, जिस तरीके की, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं थी वो, जिस तरीके की भी उनकी कंडीशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉवर्ड कार्टर। अब यहाँ पे देखते हैं कि हॉवर्ड कार्टर ने क्या डिस्कवर किया था जब उन्होंने 1922 में उनके टूम को डिस्कवर किया किंग टूट के, क्या क्या चीज़ें उनको वहाँ से मिली, और ज़ाही हवास को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने उनकी मम्मी को एक तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया। लेट्स हैव अ लुक। तो हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया जब किंग टूट के टूम को, तो वहां से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेट करी। अब इस बात में तो कोई भी शक नहीं था कि किंग टूट
बहुत ही रिच थे, वो एक बहुत बड़े फिरो थे, उनके पास बहुत वेल्थ थी, एंड इसीलिए उनको तीन कॉफिन्स जो हैं, तीन गोल्ड कॉफिन्स जो हैं, उसमें उन्हें बरी किया गया था। एंड जब उन्होंने इनको खोल के इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, तो फर्स्ट कॉफिन में वो कहते हैं उनको क्या मिला, गार्लैंड्स, गार्लैंड्स यानी कि मालाएं ऑफ ऑलिव लीव्स, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है, विच इन सम चीज़, उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि हाँ, किंग टुट का बरियल हुआ होगा अराउंड मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉफिन में इनको ये मिला और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें मिली जो शायद इजिप्शियंस को उस टाइम पे लगा होगा कि किंग टुट को चाहिए होंगी आफ्टर लाइफ में, जैसे कि उनको वहाँ पे ब्रोंज रेजर्स मिले, उसके साथ साथ उन्हें केसेस मिले ऑफ फूड, वाइन, केसेस यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कंटेनर्स जो थे वो मिले ऑफ फूड, वाइन एंड लिनन, लिनन यानी कि कपड़े। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो उनको वहाँ पे मिली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब किंग टुट को बरी किया होगा तो वहाँ पे जो रिचुअल्स होंगे उसमें उसमें यूज़ किया गया था रेजन्स का। रेजन्स एक तरीके से ग्लू होता है जो कि एक पर्टिकुलर ट्री से निकलता है, ठीक है। अब जब इसका यूज़ किया गया होगा बरी करने के लिए या बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मम्मीफाई करने के बाद, तो अब इतने टाइम बाद ये जो ग्लू है, ये जो रेजन्स हैं, ये हार्ड हो गए हैं। अब बिकॉज ये हार्ड हो गए थे तो क्या हुआ, जो किंग टुट की मम्मी थी, वो जो उनका गोल्ड कॉफिन का बॉटम था उससे कम्प्लीटली स्टिक हो चुकी थी, वो सेपरेट नहीं हो सकती थी। एंड यही प्रॉब्लम जो थी, इसी की वजह से क्या हुआ, हॉवर्ड कार्टर को बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी ना किसी तरीके से बॉडी जो है वो अलग हो जाए इससे। तो उन्होंने क्या क्या किया, जैसे उन्होंने इवन 149 फ़ारेनहाइट पे, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी उन्होंने रख के देखा उनकी मम्मी को ये कॉफिन के साथ, कहीं ना कहीं ये सोच के कि जब बहुत तेज धूप जो होगी उसके वजह से क्या होगा, ये जो रेजन्स हैं ये मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इतनी कोशिश करी लेकिन ये मेल्ट नहीं हुए, जिस वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा कि किसी ना किसी तरीके से उनकी बॉडी से जो गोल्ड है उसको चिजल करना पड़ेगा या उसको बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन अ वे कि कोई और इनकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, यानी कि इनकी बॉडी को कम्प्लीटली कट आउट करना पड़ेगा इस तरीके से कि जो गोल्ड है उससे अलग हो जाए। क्यों, अगर ऐसा वो नहीं करते तो जो थीव्स हैं वो क्या कर सकते थे, किंग टुट की मम्मी से या उनकी मम्मी के उनके कोई लिम्ब बाय लिम्ब जो है उसको टियर करके ले जाते। क्यों, क्योंकि वो इतने सारे, एक तो इनके पास जूल्स थे, इतने सारे उन्होंने एडॉर्नमेंट्स यानी कि इतने सारे नेकलेसेस, इतने सारे ज्वेलरी, ये सब उन्होंने पहन रखा था, एंड प्लस वो स्टिक भी हो चुके थे विद द गोल्ड कॉफिन। तो अगर थीव्स जो थे वो ये चीज़ देख लेते तो ऑब्वियसली वो मम्मी की केयर तो नहीं करते, वो क्या करते, वो बॉडी को लिम्ब बाय लिम्ब रिप करके ले जाते। इसीलिए हॉवर्ड कार्टर को क्या करना पड़ा, उसको कट आउट करके अलग तरीके से उसको निकालना पड़ा। तो उनके मैन ने ऐसा ही किया था, उसकी जो हेड था, जो मम्मी का हेड था, वो भी इस तरीके से अलग पहले निकाला, एंड देन धीरे धीरे करके जो जॉइंट्स थे उनसे भी अलग तरीके से काट के प्रॉपरली जितना उनसे हो सका उसको मम्मी को प्रोटेक्ट करते करते उनको अलग करा विद दैट गोल्ड कॉफिन। एंड इसीलिए जाहिर आवाज ने ये वाली बात बोली कि जो मम्मी की कंडीशन है वो बहुत ख़राब थी बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड टू इट इन 1920s। क्यों, उन्हें ऐसा लगा कि हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया, बॉडी को नुकसान पहुँचाया, जो मम्मी है उसको नुकसान पहुँचाया। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 ईयर्स लेटर जब एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने अगेन जो एक्सरे था वो किया था ऑन दिस मम्मी, तो यहाँ पे एक अलग बात सामने आई जिसकी वजह से लोग काफ़ी शॉक हो गए। तो क्या थी वो बात देखते हैं। अब 1968 में यानी ऑलमोस्ट आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ कार्टर्स डिस्कवरी, जब एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किंग टुट की मम्मी को एक्सरे किया तो वहाँ से कुछ शॉकिंग फैक्ट्स रिवील हुए, एंड वो ये थे कि किंग टुट की ब्रेस्ट बोन और उनके जो फ्रंट रिब्स थे दे वो मिसिंग। अब इसके पीछे वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि जब कार्टर उनकी बॉडी को या कार्टर एंड उनके मैन जब किंग टुट की मम्मी को एक तरीके से अलग कर रहे थे फ्रॉम दैट गोल्ड कॉफिन, तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज कर दिया उनकी ब्रेस्ट बोन को और फ्रंट रिब्स को, एंड दैट इज़ वाई दे वो मिसिंग। तो ये जो मिस्ट्री है किंग टुट की डेथ के अराउंड, ये बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भी ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ इवेंट था जब किंग टुट की डेथ हो गई थी, बिकॉज वो लास्ट ईयर थे, मैंने आपको बताया
एंड किंग टट की डेथ होना मतलब कि जो डायनेस्टी है उसका एंड हो चुका था, इसीलिए उनकी जो डेथ थी वो अपने आप में उस टाइम पे बहुत बड़ा इवेंट थी हिस्टोरिकल। एंड अब इससे रिलेटेड उस टाइम पे भी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे ऐसे हो गया कि इतनी यंग एज में ये जो किंग है ही डाई। अब हम देख लेते हैं किंग टट के एंसेस्टर्स के बारे में जो भी हमें बताया ए आर विलियम्स ने उसे। लेट्स हैव अ लुक। तो किंग टट के एंसेस्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अमेनहटेप III जो कि किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल और अच्छे रूलर होते थे एंड इन्होंने रूल किया फॉर ऑलमोस्ट 4 decades। एंड इनके बाद अमेनहटेप IV ने रूल किया एंड ये जो अमेनहटेप IV थे ये बेसिकली वर्शिप करते थे एटन। हमने पढ़ा था ना एटन एंड आमुन, तो ये उनको क्योंकि ज़्यादा वर्शिप करते थे इसलिए उन्होंने अपना नाम भी जो है वो भी चेंज कर लिया टू अखेनेटन, यानी कि सर्वेंट ऑफ एटन। इन्होंने अपना नाम भी वैसे ही चेंज कर लिया। अब जो ये इनका रूलिंग पीरियड था इसमें इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें करी एंड कहीं ना कहीं इसीलिए इनको काफ़ी लोगों से बैकलैश भी मिला, यानी कि लोग इनको कम पसंद करते थे। क्यों? फर्स्टली तो ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। अब प्रॉब्लम इसमें नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ पे आई जब इन्होंने जो रिलीजियस कैपिटल था वो मूव किया फ्रॉम थीब्स टू अखेटेटन, यानी कि इन प्रेजेंट डे अखेटेटन को कहते हैं अमारना। तो ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो रूलर्स होते थे वो जो कैपिटल्स होते थे उनको शिफ्ट करते रहते थे, जो पुरानी जगह से न्यू जगह पे, ओल्ड सिटीज से न्यू सिटीज़ पे, जो ये लोग खुद बनाते भी थे एंड इसीलिए करते थे ताकि सारी पावर जो है वो इनके पास हो, जहाँ पे ये हो पावर भी वहीं पे हो, ठीक है। इसीलिए ये शिफ्ट करते रहते थे कैपिटल। तो उन्होंने जब ये शिफ्ट किया उसके बाद उन्होंने एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ करी, ही डिड व्हाट, ही अटैक्ड आमुन, यानी कि जो इमेजेस थी आमुन की, टेंपल्स थे, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अटैक किया, जिस वजह से लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। एंड इनके टाइम के बाद आफ्टर हिज टाइम एक मिस्टीरियस रूलर ने रूल किया कुछ टाइम के लिए एंड देन फाइनली किंग टट जो थे ही केम टू द थ्रोन। अब जब किंग टट आए ही वॉज कॉल्ड द लिविंग इमेज ऑफ आमुन एंड उन्होंने क्या किया, ये जितनी भी उन्होंने गड़बड़ करी थी, ये जितने भी ओल्ड वेस को उन्होंने ओवरथ्रो किया था, उन सारे ओल्ड वेस को इन्होंने रिस्टोर किया किंग टट ने एंड इसीलिए लोगों को ये पसंद भी थे। एंड किंग टट ऑलमोस्ट रूल्ड फॉर 9 years एंड उसके बाद ही अनएक्सपेक्टेडली डाइड। तो नाउ इयर्स लेटर या विलियम्स बताते हैं कि किंग टट की मम्मी जो थी इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज जिसको सीटी स्कैन के थ्रू ले जाया जाने वाला था एंड वहां पे एक बहुत अलग सी चीज हुई। वहां पे क्या हुआ देखते हैं। तो किंग टट की मम्मी को, जैसे मैंने आपको बताया, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज जिसको सीटी स्कैन के थ्रू बेसिकली ले जाया जाने वाला था। अब क्या हुआ, जब उसको ले जा रहे थे, वो जब उस मम्मी को उठा के फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस अगेन उसको ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो $1 million स्कैनर था उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। एंड वो प्रॉब्लम क्या आई थी कि जो उसका कूलर था बेसिकली उसके अंदर सैंड चली गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी। तो वहाँ पे एक गार्ड था, ही जोकिंगली सेड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द फेरो, यानी ऐसा माना जाता था कि किंग टट की जो कॉफिन है, जो भी उसको खोलेगा ही हैज़ टू फेस द कर्स, तो इसीलिए ये माना जाता था इस बात को। बट आफ्टर सम टाइम ये जो छोटी सी डिफॉल्ट थी इसको ठीक किया गया था एंड उनकी मम्मी को अगेन जो सीटी स्कैन है उसके थ्रू ले जाया गया था। एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट 3 hours या 3 hours के विदिन ही जब उसके पूरा काम खत्म हो गया था, उसके बाद उनकी मम्मी को वापस कैरी किया गया था टू इट्स टूम। एंड अब यहाँ पे ये बात कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे लोग थे, जितने भी फॉरेंसिक्स के लोग थे, जितने भी सारे लोग थे, वो वहाँ पे क्या कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू फॉर्म द फेस, वो बेसिकली एक फेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिजिकल फीचर्स चाहे वो पता चले ताकि किंग टट के कि वो किस तरीके से दिखते थे। तो ये सारे काम जो हैं उस टाइम पे वो करने की कोशिश कर रहे थे ताकि क्लियर इमेज आ सके, एक वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म कर सके कि इस तरीके से किंग टट जो थे ही रिजेंबल्ड। तो अब ए आर विलियम्स कहते हैं जो किंग टट की टोम्ब की एंट्रेंस है उसके ऊपर स्टूड ओरियन। ओरियन बेसिकली एक कॉन्स्टेलेशन होती है एंड अकॉर्डिंग टू इजिप्शियंस ये होता है सोल ऑफ ओसिरिस। ओसिरिस वो मानते थे कि ये होता है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। तो ए आर विलियम्स यहाँ पे ये बात कहते हैं कि किस तरीके से इवन आफ्टर किंग टट्स डेथ जो गॉड है
he is keeping an eye on him. वो ध्यान रख रहे हैं किंग टुट का. तो वो ये यहाँ पे बात जोकिंगली कहते हैं एंड यहीं पे ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. तो ये जो चैप्टर है किंग टुट द सागा कंटिन्यूज वैसे दिखने में काफी बोरिंग है बट यहाँ पे हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं दैट आर रिलेटेड टू किंग टुट. एंड अगर आप इसके बारे में सर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो डेथ थी अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री थी एंड बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके बारे में जानने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे. सो ये तो था आपका चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज. हमने कवर करी इसकी समरी, हमने देखी जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन थी वो सारी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.